कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं। दोस्तों तो आज हम बात करने वाले हैं 1970 में आई कल्ट क्लासिक फिल्म मेरा नाम जोकर के बारे में। कहता है जोकर सारा जमाना। इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे शोमैन राज कपूर। मजहब है अपना हंसना हंसाना। इस फिल्म में राज कपूर, सिमी ग्रेवाल, ऋषि कपूर, धर्मेंद्र, राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, ओम प्रकाश, दारा सिंह, पद्मिनी, मुकरी और राजेंद्र नाथ मल्होत्रा जैसे बड़े एक्टर्स ने काम किया था। इस फिल्म में ऋषि कपूर ने राज कपूर के बचपन का कैरेक्टर प्ले किया था। जोकर मैं हूँ, इसे अपने पास रखिए। मेरा नाम जोकर 70 के दशक की राज कपूर की एक ऐसी कल्ट क्लासिक फिल्म है जिसने राज कपूर को हमेशा के लिए अमर कर दिया। ए भाई जरा देख के चलो, अपने हंसते रोते और मासूम चेहरे की मदद से उन्होंने कभी ऑडियंस को हंसाया तो कभी रुलाया भी। बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। इस फिल्म के जरिए राज कपूर ने कब और कैसे ऑडियंस के दिलों में खास जगह बना ली उन्हें खुद भी पता नहीं चला। मगर दुनिया में एक चीज शेरे बबर से भी ज्यादा खतरनाक और डरावनी है, और वो है गरीबी और भूख। मेरा नाम जोकर उस जमाने में मेगा बजट फिल्म थी। इस फिल्म को बनाने में राज कपूर ने अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया था, यहाँ तक कि उन्होंने अपना घर तक गिरवी रख दिया था। इस फिल्म को बनने में पूरे 6 साल का वक्त लगा था। गिरने से डरता है क्यों? साल 1970 में रिलीज हुई इस फिल्म को आज भी ऑडियंस का बहुत प्यार मिलता है और ये फिल्म बहुत पसंद की जाती है। मरने से डरता है क्यों? लेकिन जब ये कल्ट क्लासिक फिल्म रिलीज हुई तो बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी, यानी डिजास्टर साबित हो गई थी, और इस फिल्म की वजह से राज कपूर पर भारी कर्जा हो गया था। राज कपूर ने सोचा था कि ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित होगी, लेकिन जब इस फिल्म को बनने में 6 साल का वक्त लगा तो वो कर्ज में डूब गए। जीरो से जोकर बन जाना पड़ता है ये भाई। इस फिल्म के फ्लॉप होने का एक बड़ा रीजन ये भी था फिल्म की लेंथ। इंडियन सिनेमा की ये दूसरी फिल्म थी जिसमें 2 इंटरवल थे। दरअसल इस फिल्म की लेंथ 4 घंटे से ऊपर की थी जिसकी वजह से फिल्म में 2 इंटरवल थे। इससे पहले राज कपूर की ही फिल्म संगम में 2 इंटरवल थे। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा क्या। इस फिल्म को रीएडिट किया गया, इसकी लेंथ कम की गई और दोबारा इस फिल्म को 1980 में रिलीज किया गया और तब जाकर ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। राजू की माता जी। राजू तुम्हारा आइटम। राजू तुम्हारे खेल का वक्त हो गया है। जीना यहाँ मरना यहाँ, आज भी जब लोग राज कपूर को याद करते हैं तो इस गाने के बिना उनका सफर पूरा नहीं होता। कुछ साल पहले जब दिल्ली के रीगल सिनेमा को बंद करके वहाँ पर मैडम तुसाद म्यूजियम खोलने का फैसला लिया गया, तब रीगल सिनेमा में आखिरी 2 फिल्में चलाने का फैसला लिया गया और वो फिल्में थी राज कपूर की संगम और मेरा नाम जोकर। कल खेल में हम हो ना हो। यही एक ऐसी फिल्म थी जो उनकी कहानी और उनके दर्द को ऑडियंस के सामने, देश के सामने ला सकती थी। गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। राज कपूर मैसेज के साथ साथ एक मल्टी स्टारर और मेगा बजट फिल्म बनाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने इस फिल्म में अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया। ये फिल्म कई मायनों में इंडियन सिनेमा के लिए ऐतिहासिक फिल्म थी। इस फिल्म के बाद रूस में राज कपूर का डंका बोलता था, रशिया में उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग बन गई थी। रहेंगे यही अपने निशान, इसके सिवा। इस फिल्म की शूटिंग 1964 में शुरू हुई थी और उस समय ऋषि कपूर सिर्फ 12 साल के थे।
इस फिल्म के बोल्ड सीन्स ने खूब मचाया बवाल। इस फिल्म में कई बोल्ड सीन्स हैं, जिनमें से एक है जहां सिमी ग्रेवाल को नहाते हुए न्यूड दिखाया गया है। फिल्म में सिमी ग्रेवाल ने बिंदास बोल्ड सीन्स दिए। ये रोल पहले मुमताज निभाने वाली थी, लेकिन राज कपूर ने उन्हें मना कर दिया। फिल्म में मीनू यानी पद्मनी, जिन्होंने जेब कतरे का कैरेक्टर किया है, उनका भी फिल्म में बोल्ड सीन था। फिल्म में उनकी एक सीक्वेंस है जहां पर उनका शर्ट फट जाता है। राजू, मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। यही नहीं, फिल्म के अंदर पद्मनी का ट्रांसपेरेंट साड़ी में पूरा एक गाना भी है, जहां उनको ब्लाउज नहीं दिया गया है और वो बारिश में भीगते हुए गाना गा रही हैं। इन सब सीन्स ने बहुत बवाल मचाया था, यहां तक कि सेंसर बोर्ड को भी आपत्ति थी। बावजूद इसके उन्होंने सेंसर बोर्ड से फाइट करके यू सर्टिफिकेट लिया। फिल्म में राजू यानी राज कपूर जिस सर्कस में काम करते हैं उसका नाम होता है जेमिनी सर्कस। जेमिनी सर्कस उस वक्त भारत की बहुत बड़ी और मशहूर सर्कस कंपनी हुआ करती थी। आग लगी और राख हो गई यादें। साल 2017 में आरके स्टूडियो में आग लग गई थी और मेरा नाम जोकर फिल्म में इस्तेमाल की गई कई चीजें जलकर राख हो गईं। जले हुए सामान में राज कपूर की जोकर कॉस्ट्यूम और जोकर मास्क भी शामिल था। जब हमको इस फिल्म का गाना जीना यहाँ मरना यहाँ बहुत हिट हुआ था। फिल्म के इस गाने में मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार और धर्मेंद्र के साथ राजकुमार का भी कैमियो था, लेकिन उन्होंने कैमियो करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो धर्मेंद्र के साथ काम नहीं करना चाहते। दरअसल धर्मेंद्र और राजकुमार के बीच कुछ अनबन चल रही थी। अपने यही राज कपूर फिल्म में किसी भी तरह का समझौता नहीं चाहते थे। जब उन्होंने फिल्म बनाई तो पूरी जान लगा दी। दो दो बोल्ड सीन्स प्लान किए। अपने कम उम्र के बेटे ऋषि कपूर को अपनी टीचर के प्यार में गिरफ्तार दिखा दिया। सिमी ग्रेवाल को खेत में कपड़े बदलते हुए दिखाना, उनको न्यूड नहाते हुए दिखाना, पद्मिनी का शर्ट छाती के पास से फट जाना, ट्रांसपेरेंट साड़ी में पूरा गाना शूट करना, वो भी भरी बारिश में। पहले मीनू के कैरेक्टर यानी जो कैरेक्टर पद्मनी ने प्ले किया है, उस कैरेक्टर के लिए वैजंती माला फाइनल थी, लेकिन उन्होंने बोल्ड सीन करने से मना कर दिया। तब राज कपूर ने पद्मिनी को कास्ट किया। उन्होंने हीरोइन बदल दी, लेकिन सीन बदलने को तैयार नहीं हुए, जबकि वैजंती माला के साथ उन्होंने कई फिल्में की थी। मेरा नाम जोकर के पर्दे पर धर्मेंद्र भले ही राज कपूर के बॉस हों, लेकिन सेट पर उल्टा था। एक दिन धर्मेंद्र भी राज कपूर के गुस्से का शिकार बन गए थे। दरअसल कभी शराब के टब में डूबे रहने वाले राज कपूर के सेट पर शराब बैन थी। ऐसे में अगर कोई सेट पर पी कर आता था तो उनका गुस्सा उस पर उतर जाता था। एक दिन फिल्म के सेट पर राज कपूर ने देखा कि धर्मेंद्र नशे में धुत एक बेंच पर पड़े हैं। बस फिर क्या था, उनका गुस्सा धर्मेंद्र पर उतर गया। उन्होंने धर्मेंद्र की क्लास लगा दी। तब जाकर राज कपूर ने धर्मेंद्र को छोड़ा। इसके बाद धर्म पाजी उनके सेट पर पीना छोड़ दिए। ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं। इसके सिवा जाना कहां। इस फिल्म में मनोज कुमार ने अपने कई डायलॉग्स खुद लिखे थे और वो राज कपूर से सलाह लेते थे और राज कपूर उनकी मदद भी करते थे। इसलिए कि जोकर जो करता है औरों के लिए करता है, वो रोता है दूसरों को हंसाने के लिए। मेरा नाम जोकर राज कपूर की इकलौती ऐसी फिल्म है जिसमें लता मंगेशकर के एक भी गाने नहीं हैं। दरअसल उस समय राज कपूर की जितनी भी फिल्में आती थी वो अपने सभी गाने लता मंगेशकर से गवाते थे। ये इकलौती ऐसी फिल्म है जिसमें लता मंगेशकर ने कोई गाना नहीं गाया है। राज कपूर उस दौर में इतने बड़े एक्टर और डायरेक्टर थे कि उनके साथ हर एक्टर काम करना चाहता था।
उन्हीं में से एक धर्मेंद्र भी थे। इस फिल्म में धर्मेंद्र और राज कपूर ने पहली बार एक साथ काम किया था और ये धर्मेंद्र का सपना पूरा होने जैसा था। वहीं मनोज कुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही था। मनोज कुमार भी राज कपूर के साथ काम करना चाहते थे, इसीलिए जब उन्हें ये रोल ऑफर हुआ तो इतना छोटा रोल होने के बावजूद भी बिना कुछ बोले उन्होंने हाँ कर दिया। जबकि उस समय मनोज कुमार और धर्मेंद्र बहुत बड़े स्टार थे। एक इंटरव्यू में सिमी ग्रेवाल ने बताया कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस फिल्म में मैंने जो कैरेक्टर प्ले किया है वो मेरे फिल्मी करियर के सबसे चर्चित किरदार में से एक है। उन्होंने कहा, एक्चुअली ये कैरेक्टर राज कपूर साहब के निजी जिंदगी से इंस्पायर्ड था। जब वो टीन एज में थे तब उन्हें भी अपनी एक टीचर पर क्रश हो गया था। इस किस्से को याद करते हुए सिमी ग्रेवाल कहती हैं कि राज जी ने उन्हें एक दफा बताया था, जब वो स्कूल में पढ़ते थे तब उन्हें एक एंग्लो इंडियन टीचर पर क्रश था। इसके बाद आगे चलकर उन्हें शांति निकेतन में दामयंती नाम की लड़की पर क्रश हो गया और यही लड़की आगे जाकर दामयंती सहानी बनी, यानी कि उन्होंने बलराज सहानी से शादी की थी। ऐसे में सिमी ग्रेवाल ने फिल्म में जो कैरेक्टर प्ले किया वो इन्हीं दो महिलाओं से इंस्पायर्ड था। एक इंटरव्यू में राज कपूर की बेटी ने बताया था कि मेरा नाम जोकर फिल्म फ्लॉप होने के बाद फाइनेंसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उनका साथ छोड़ दिया था और लोगों ने उस वक्त उन्हें बहुत ट्रोल किया था। लोग उनको पागल है, सठिया गया है, ये सब बोलते थे। राज कपूर का टाइम अब खत्म हो गया है। उनकी बेटी ने आगे बताया कि ये फिल्म उनका दिल और उनकी आत्मा थी। जाने कहां गए वो दिन। मेरा नाम जोकर ऋषि कपूर की पहली फिल्म नहीं थी। इससे पहले वो फिल्म श्री 420 में छोटे बच्चे के रूप में नजर आ चुके थे। फिल्म के गाने प्यार हुआ इकरार हुआ में ऋषि कपूर अपने भाई रणधीर कपूर और अपनी बहन रीमा के साथ बारिश में चलते हुए नजर आते हैं। फिर भी रहेंगी निशानियां। अब बात करते हैं इस फिल्म के क्रेडिट की। तो इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे राज कपूर। स्टोरी और फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा था के ए अब्बास यानी ख्वाजा अहमद अब्बास ने। राज कपूर की ज्यादातर फिल्में उन्होंने ही लिखी थी। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर थे राधु कर्माकर और फिल्म के एडिटर भी राज कपूर थे। इसका म्यूजिक हिट था। ये गाने बहुत मीनिंगफुल थे। इसके गाने एवरग्रीन हैं और आज भी सुने जाते हैं। फिल्म में म्यूजिक दिया था शंकर जयकिशन ने और इस फिल्म के गानों में अपनी आवाज दी थी मुकेश चंद माथुर यानी कि मुकेश, आशा भोसले, मोहम्मद रफी, प्रबोध चंद्र डे यानी कि मन्ना डे और लिरिसिस्ट थे शैलेंद्र शंकर दास, केसारी लाल, गोपाल दास सक्सेना, हसरत जयपुरी और प्रेम धवन। फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.9। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई और कंटेंट के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी। आप हमसे सोशल मीडिया में भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। बाय बाय।